हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित कुमार। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करने का एक शानदार प्रोसेस आपको दिया था, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लें, और उसके बाद फिर ये तो एक्सरसाइज 8.2 का ये आपका नंबर 2 पर जो है हम लोग करेंगे अभी डिस्कशन। तो नंबर 2 में है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का जो है औचित्य दीजिए। या MCQS टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन चुनना होगा कौन सा ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ध्यान देने की बात है, 1 नंबर में है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 plus tan square 30। अब इसका जो मान है ना बराबर किसके होगा, इसमें से साइन 60 है, कोस 60 है, टेन 60 है और साइन 30 है। तो ये चार ऑप्शन दिया होगा, किसी एक के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको ना सॉल्व करके देख लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल में आ रहा है। मैं एक यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ इसके लिए। जैसे 2 tan 30 था, बाय में था 1 plus tan square 30, टेन स्क्वायर 30 तो 2 तो रहेगा ही, ये लिखा बाय टेन 30। हम लोग सब जानते हैं इसका मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 हो गया, फिर आपका 1 है प्लस टेन स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर है ना। फिर ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ आ जाएंगे जब तो 1 plus 1/3, क्योंकि रूट तीन है, ये स्क्वायर दोनों के लिए होगा। जब रूट तीन का करेंगे स्क्वायर तो रूट कितना हो जाएगा, 9 और 9 का कितना आएगा वर्गमूल, 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका 3, है ना। या तो 2/√3 और यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ अगर 1 कर देते हैं 3 1 का लॉस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 plus 1। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/√3/4/3, है ना। अब क्या होगा कि इसमें जो है ना इसके इनवर्स से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 2/√3 और गुना क्या हो जाएगा, 3/4, इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 3 लिखा होगा तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और 9 का कितना होता है वर्गमूल, 3 होता है। तो हम लोग 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद बाय में क्या हो गया, √3 और ये हो गया 2, 1 तो कैंसिल हो गया, तो बच गया अब √3/2। अब देखना ये है कि ये जो है इसमें से किसके वैल्यू के बराबर होता है, मतलब साइन 60 या कोस 60 या तो टेन 60 या तो साइन 30। अब किसके बराबर होता है ये, तो शायद आप लोग को याद हो कि जो एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 1 2 3 4 करके, है ना, साइन के लिए, बस साइन का हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। तो 0 था 0 के लिए, 1 0 था 0 के लिए, उसके बाद 1 था आपको 30 के लिए, 2 था 45 के लिए, 3 था 60 के लिए और 4 था 90 के लिए। 3 था 60 के लिए तो 3/ हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे, है ना, ये नहीं किए थे, 3/4 कर दिए थे। उसके बाद क्या किए थे, इसको कैप लगा दिए थे, ये √3/2 हो गया था, है ना। अब देखने की बात ये है कि मेरे ख्याल से साइन 60 का ना ये जो वैल्यू है ये साइन 60 का ही होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60, है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक है, इसका ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ये इसका रीजन हुआ क्यों सही हुआ, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको कैलकुलेट करके देखा कि कितना वैल्यू आता है, तो √3/2 हो गया और √3/2 जो है वो साइन 60 के मान के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन एक जो है आपका सही हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, देखते हैं 2 में क्या कह रहा है, इसे भी हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं। नंबर 2, 1 minus tan square 45 बाय 1 plus tan square 45। हम लोग सब जानते हैं अच्छे से tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना जी, शायद याद नहीं होगा आप लोगों को, है ना। आप लोगों ने शायद प्रोसेस को अच्छे से देखा नहीं है, आप लोग उसे देख लेते तो शायद अभी आपको दिक्कत नहीं होती। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1, तो 0/2
बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखना है कि जीरो किस ऑप्शन में दिया होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है टेन 90, बी में है एक, सी में साइन 45 है, और डी में क्या है जीरो। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका, सही हो गया। तो नंबर दो का जो है, नंबर दो का ऑप्शन डी क्या हुआ, सही हुआ, है ना। हम लोग बढ़ते हैं नंबर तीन तरफ। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब ये जो साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है, ये बराबर कब होगा, ये आपस में बराबर कब होगा, ये हम लोगों को बताना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, जिस एंगल का या जिस मान का, हम लोग क्या करेंगे उसको वहां रख कर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं किसके बराबर होता है। तो ये है आपका साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो सबसे पहले ऑप्शन में है 0 डिग्री, है ना। तो स्टार्ट 0 से कर देते हैं हम लोग। तो पहले जहां पर a है वहां पर क्या करेंगे, 0 रख करके चेक करेंगे, अगर बराबर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन b चेक करेंगे, ऑप्शन c चेक करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन a चेक करते हैं हम लोग। तो साइन 2 into a यहाँ लगाते हैं 0, उसके बाद है फिर 2 साइन a, a के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना, या तो साइन, इसे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो गया 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी बताइए सब। साइन 0 कल क्या बताए थे, 0/4, इसका रूट क्या हो जाएगा, 0 ना। तो ये हो गया साइन 0 का मान कितना हो गया, 0, और यहाँ 2 इंटू, फिर साइन 0 है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 2a बराबर साइन बराबर जो है 2 साइन a, एंगल जो है a इक्वल 0 डिग्री बराबर है ना। इसका ऑप्शन a क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ये जो है बराबर तो होगा, लेकिन कब, जो यहाँ पर जो एंगल a है ये कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। अगर एंगल a 0 होता है तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें आपका 4 नंबर का, हम लोग उसे करके देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ, 2 tan 30 है बाय 1 tan²30, है ना, ये किसके बराबर होगा। तो करते हैं इसे भी सॉल्व हम लोग। तो 2 tan 30 का होता है 1/√3, क्या होता है इसका, 1/√3 होता है, फिर 1 tan 30 ही लिखा हुआ है ना, 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, या तो 2/√3, और यहाँ करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, दोनों के लिए काम करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2/√3 हो जाएगा, है ना, फिर बाय कर देंगे हम लोग, यहाँ 1 कर सकते हैं ना, तो 3 1 का लॉस कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 - 1, तो 2/√3, और यहाँ बचेगा 2/3, या तो 2/√3, फिर गुना कर देंगे, क्योंकि ये बाय में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया 3/√3। अब यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, है ना, बाय हो गया √3, 1 कैंसिल ना हो गया, क्या बच गया, √3, क्या बच गया, √3 बच गया, और ये 3/60 के बराबर होता है, मतलब 3/60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो अब देखना ये कि ऑप्शन में है कि नहीं है, तो cos 60, है ना, sin 60, और यहाँ 3/60, इसका मतलब 4 का ऑप्शन क्या होगा आपका, सी सही होगा। तो 2 का 1 नंबर का ऑप्शन ए सही था, 2 नंबर का जो है ऑप्शन डी सही था, 3 नंबर का ऑप्शन ए सही था, और 4 नंबर का जो है ऑप्शन सी सही है। मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कहीं दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप आ सकते हैं, या वहाँ भी आप आके क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मैं अलग जो है क्लास 9th या 7th या फिर अदर क्लास की या 12th क्लास की मैथ की वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसे भी अवश्य लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। करा कि यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 है, है ना, और टेन ए माइनस बी 1/√3, और यहाँ पर जो है ना ये a प्लस बी मतलब दोनों का जो सम है, ये जो आपका एंगल यहाँ पर a और b है, है ना, इससे दोनों का जो सम है ना ये 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 के बराबर है,
यह 90 से छोटा है, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो एंगल है, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 0 से बड़ा तो है, या वो 90 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन और 90 से कम भी है। बात पले पड़ी? ठीक है, तो करना। और यहाँ पर एंगल ए जो है बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो हम लोग करते हैं इसे सॉल्व, देखते हैं क्या करना होगा इसमें। ए और बी का मान निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या कि टेन ए प्लस बी बराबर कितना, रूट तीन दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब ये रूट तीन जो है, बताइए आप लोग सब कि टेन में किस मान के बराबर है, मतलब रूट तीन जो है टेन जीरो का है कि 30 या फिर 60 या फिर 90 का है। तो ये हो जाएगा आपका टेन 60 डिग्री का है ना, ये कितना का है टेन 60 का है। अब यहाँ देखिए टेन यहाँ भी है और टेन यहाँ भी है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब क्या जाएगा हम लोग का, ए प्लस बी बराबर 60। इसको ना इक्वेशन वन कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसे इक्वेशन जो है एक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, या तो फिर टेन ए माइनस बी। अब ये टेन 30 का मान होता है, कितना का होता है, ये टेन 30 का मान होता है। फिर ये हो जाएगा अब ए माइनस बी बराबर 30। इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन दो कर देते हैं। ये बन गया इक्वेशन एक और ये क्या बन गया, इक्वेशन दो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों ना इक्वेशन को जोड़ देंगे आपस में। क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग इक्वेशन एक तथा इक्वेशन दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो पहला हो गया ए प्लस बी बराबर 60, फिर आपका हो गया ए माइनस बी बराबर 30। दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a और ये हो जाएगा 90। या तो a बराबर 90/2 बराबर क्या आ जाएगा 45। तो a का मान तो निकल गया, a कितना हो गया, a हो गया आपका 45। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे a के मान को इक्वेशन एक या दो में रख करके b भी ज्ञात कर सकते हैं ना, तो कर लेते हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पर कि a का मान समीकरण एक में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ था, a हो गया 45, b तो नहीं पता है अभी 60, या b निकालेंगे। अब ये 45 जो है यहाँ प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस हो जाएगा 45 बराबर क्या बचेगा 15। तो आपका जो है एंगल a हो गया 45 और एंगल b कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, ये दोनों इसका जो है आंसर हो गया। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। ये नंबर तीन था आपका, और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर चार है, वो भी मैं आज कर देता हूँ, है ना। फिर हम लोग उसके बाद, मतलब कल जो है, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला के लिए, उससे हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे समझेंगे, कैसे यूज करना है, वो हम लोग अगले जो है वीडियो में करेंगे। फिलहाल लेकिन हम लोग अभी एक्सरसाइज 8.2 का नंबर चार कर देते हैं। नंबर चार, ये तीन था, अभी चार करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग अब जो है नंबर फोर का करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसे आप गलत और जो है सही कहेंगे, लेकिन साथ में आपको इसका कारण देना पड़ेगा, क्यों आप कह रहे हैं गलत और क्यों कह रहे हैं आप ये सही है। तो मैं इसे सत्य असत्य करवाऊंगा ही, साथ में मैं यहाँ पे आपको रीजन दूंगा कि ये जो कथन लिखा हुआ है या फिर ये जो क्वेश्चन है ये गलत है या फिर सही है, तो क्यों है। तो आप केयरफुली जो है इसके रीजन पर फोकस करेंगे, क्या रीजन है, क्यों कोई लाइन गलत है और क्यों कोई लाइन सही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये जो आपका लिखा हुआ है ये एक्चुअली असत्य है। क्या है, ये असत्य है। बहुत को लगता होगा नहीं यार ये तो गलत नहीं है, ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि साइन ए और प्लस साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, अगर साइन से गुणा कर देंगे ए और बी में तो बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कथन आपका जो है असत्य। और असत्य क्यों है ये मैं इसे यहाँ नीचे बता रहा हूँ, आप लोग केयरफुल्ली इसको सुनिए और समझिए। मान लेते हैं कि ए
बराबर 30 है और बी बराबर 60 मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मानने में क्या रखा हुआ है, ए बराबर क्या मान लिए 30, बी कितना हो गया 60। तो इस दोनों के मान को ना बारी बारी से रख के देखते हैं, पहले यहाँ और फिर बाद में यहाँ, और देखते हैं कि क्या सच में दोनों बराबर होता है या फिर नहीं होता। तो पहले इसको लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ था, तो साइन ए हो गया 30, बी हो गया 60। अब ये हो गया साइन 90, ये कितना हो गया आपका साइन 90, और हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि साइन 90 जो होता है वो कितना होता है ना, एक होता है। साइन 90 कितना हो गया आपका, एक हो गया, और साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है एक होता है। ये तो निकल गया, अब इसको निकाल लेते हैं, ये देखते हैं कितना होता है। तो साइन ए प्लस साइन बी कर देते हैं, तो साइन ए कितना, एक जगह कितना आएगा 30, ये हो गया साइन 30, फिर हो जाएगा साइन बी, बी मतलब कितना 60, अब ये हो जाएगा साइन 60, एक बाय इसका कितना होता है 2, ठीक है। साइन 30 कितना होता है आपको 1/2 होता है, प्लस साइन 60 कितना होता है तो √3/2 होता है ये। तो ये साइन 30 का मान हो गया और ये साइन 60 का मान हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं अब 2, और ये हो जाएगा 1+√3, एक तो होगा ही √3 है, तो 3 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग 1.732 आएगा, बाय हो जाएगा 2, इसको जोड़ देते हैं है ना, तो 2.732 बाय कर देंगे 2। अगर इसको भाग किया जाए, अगर इसको भाग किया जाए कितना हो जाएगा, एक तो होगा ही, फिर दशमलव हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये लगभग 4 हो जाएगा, फिर 4 नहीं 3 होगा मेरे ख्याल से, 3 × 2 = 6 हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ 13 हुआ, तो 6 × 12, और फिर यहाँ पे मतलब 1.336 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ था और यहाँ पर 1.36 और 6 है, तो क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बराबर नहीं होगा, तो पहला कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग ध्यान देते हैं नंबर 2 की तरफ है ना, ये लिखा हुआ थीटा के वृद्धि में या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, मतलब अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा या फिर नहीं होगा, देख लेते हैं इसे हम लोग करके। मान लेते हैं थीटा पहले 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है। अब साइन 30 ले लेते हैं, ये होता है 1/2, अगर इसको भाग किया जाएगा तो 0.5 होगा है ना, 0.5 सही है। फिर साइन 45 ले लेते हैं, अब तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1/1.414, अगर इसको भाग किया जाएगा तो 0.8 या फिर समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या थीटा पहले 0 था, तो 0 हुआ, ये जब 30 बात ये इससे बढ़ गया 0.5 हो गया, उसके बाद जब ये 45 हुआ ये 0.8 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब थीटा का मान वृद्धि हुआ या थीटा का मान में वृद्धि हुआ तो इसका वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब आपका कथन 2 जो है बिल्कुल सही है, इसे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे सत्य है, और ये हो गया आपका रीजन, आप इसे करके दिखा सकते हैं कि इस वजह से क्या है कथन आपका 2 जो है सही है। 4 का नंबर 3 की तरफ, यहाँ के थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, देख लेते हैं। कोस निकाल लेते हैं पहले 0 है ना, शायद आपको याद हो कि साइन का जो हम लोग मान निकालना सीखे थे, साइन कोस सी कोसेक का, तो वहां पर क्या था, जो भी साइन का निकला था तो कोस का उसका क्या जस्ट हुआ था अपोजिट वहां से यहाँ तक, मतलब अगर साइन का आपका मान लीजिए इंक्रीजिंग में है तो वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग में हो जाएगा, तब अगर ये आपको आरोही क्रम में है तो वो क्या हो जाएगा आपका अवरोही क्रम में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती बिल्कुल नहीं होती है ना, ये क्योंकि थीटा का मान अगर बढ़ेगा भी तो इसका जो मान है वो अवरोही में जाएगा ना कि आरोही में जाएगा, तो ऐसे भी ये गलत है। हाँ, अगर आप चाहते हैं करके दिखाना तो दिखा भी सकते हैं, ये हो जाएगा आपको 1,
और कोस अगर आप 30 निकालना चाहते हैं तो ये होगा रूट 3/2, ये हो गया 1732 और यहाँ कर देंगे दो, तो ये लगभग आपको हो जाएगा 0.08 समथिंग। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले एक था उसके बाद कम ना हो गया, जब हालांकि यह मान बढ़ा है 0 से 30 हुआ है लेकिन ये आपका कम हो गया, तो ये आपका कथन 3 जो है ये असत्य है। हम लोग बात करते हैं अब 4 नंबर की। यहाँ लिखा हुआ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, मतलब थीटा का जो भी मान है क्या सब मान पे ये कोस और साइन बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। देख लीजिए इसे कैसे नहीं होता है, साइन साइन 0 0 होता है लेकिन कोस 0 होता है 1, तो बराबर हुआ क्या? बराबर नहीं हुआ, क्योंकि साइन 0 होता है 0 और कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका जो है नंबर 4 का ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। नंबर 4 भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। नंबर 5 पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए इक्वल 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब ए इक्वल 0 डिग्री पर कोट ए जो है ना वो परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, अपरिभाषित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोट 0 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल अपरिभाषित ही है। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको 4 नंबर में। तो 4 का 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस थे, मैंने सबका आपको बताया रीजन कि ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चंस है, ये गलत और सही क्यों है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो है एक अच्छा सा प्रोसेस फॉर्मूला को याद करने के लिए या उसको समझने के लिए या उस पर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये सब जो है अगले में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर क्लास का जो है आप चाहते हैं मैं क्लास मैथ का लूँ, 12th क्लास या फिर 9th या 7th या 6th क्लास का, आप नीचे कमेंट करके बताएं मुझे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।